सृष्टि का आदि मूल है, वेद उसके नियम और असूल है, उसकी कैसे बनाए मूर्ति। मानव सबसे बड़ी तेरी भूल है, ओम सृष्टि का आदि मूल है। सतचित आनंद रूप है उसका, वेदों से क्यों जाना नहीं। सतचित आनंद रूप है उसका, वेदों से अजर अमर प्रभु निराकार को तूने कभी पहचाना नहीं। वास सब में है, पर्वत या धूल है, सूक्ष्मतम चाहे स्थूल है, उसकी कैसे सबसे बड़ी तेरी भूल है। ओम सृष्टि का आदि मूल है, वेद उसके नियम और असूल है, उसकी कैसे बनाई मूर्ति। मानव सबसे बड़ी सृष्टि का आदि मूल है। बना बना के नई नई मूरत पानी में फिर क्यों बहा रहा। बना बना के नई नई मूरत पानी में फिर क्यों सच में तेरा प्रतिकूल है, उसकी कैसे बनाई मूर्ति। मानव सबसे बड़ी तेरी भूल है, ओम सृष्टि का आदि मूल है। मूर्त पर चढ़ी चढ़ा जीव भूखा निर्दोष मरा, मूरत पे चढ़ी लाखों चढ़ावा जीव भूखा निर्दोष मरा। हित तेरी उल्टी देख करनी जगदी ईश्वर क्या सोच रहा। जड़ की पूजा व्यर्थ निर्मूल है, सुख का फूल नहीं दुख शूल है, उसकी कैसे बनाई मूर्ति। मानव सबसे बड़ी सृष्टि का आदि मूल है, वेद उसके नियम और असूल है, उसकी कैसे बनाई मूर्ति। मानव सबसे बड़ी तेरी भूल है, ओम सृष्टि का आदि मूल है।
यह जो भजन है भजन का रचयिता हितेंद्र आर्य जो हमेशा बहुत सारे भजनों की रचना करते रहते हैं और वेदों को पढ़ते हैं और आज का जो समस्याएं वेदों के मंत्रों के आधारित जो समस्याएं अधिक बहुत अधिक समस्या समाज में होती है तो भजन लिखने वाले जो रचयिता है वो उन समस्याओं को स्पष्टता से गहराई से चिंतन मनन करके अच्छे से समझाते हैं ताकि मानव जो ये गलती कर रहा है जो भूलें कर रहा है उससे वो उस भूल करने से उससे दूर हट जाए और सही मार्ग पर आ जाए। तो इतनी सुंदर बात बता दी है कि ओम सृष्टि का आदि मूल है, परमपिता परमेश्वर ईश्वर का निराकार परमात्मा का नाम निज नाम ओम है और वो परमपिता परमेश्वर ओम परमेश्वर सारी सृष्टि का रचयिता है, निराकार है। तो क्या बता दिया, वेद उसके नियम और असूल है। उस ईश्वर ने जो नियम बनाए हैं, जो सिद्धांत बनाए हैं, जिस नियमों से और सिद्धांतों से सृष्टि चलती है, वो सारे नियम सारे असूल सारे सिद्धांत वेदों में मंत्रों के माध्यम से ईश्वर ने वो सारे सिद्धांत बताए। इसीलिए वेदों का महत्व है, इसीलिए हम सब यहाँ वेदों को पढ़ते हैं और वेदों को पढ़ाते हैं ताकि हमें ईश्वर के सारे नियम उसकी सृष्टि में हमें कैसे रहना, कैसे सुख प्राप्त करना, स्वयं भी और दूसरों को भी सुख देना और क्या करना क्या नहीं करना, ये दोनों बातें वेदों के मंत्र के माध्यम से ईश्वर ने हमें आदेश दिया है, उपदेश दिया है। तो उस मंत्रों के आधार पर भजनकार भी भजन रचते हैं और ताकि और स्पष्टता से मनुष्य उसको अच्छे से समझ जाए। तो बता दिया उसकी कैसे बनाए मूर्तें, मानव सबसे बड़ी तेरी भूल है। मानव आज मैं तो बोलती हूँ 90% से भी अधिक बोलेंगे तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, 90% मनुष्य आज ये कार्य करने पर बैठे हैं, मात्र बाह्य मूर्ति बनाना, मूर्तियां बना बना के और फिर उसी की ही आराधना करना, उसकी पूजा करना, उस पे चढ़ावे चढ़ाना। देखो सारे अंतरों में बता दिया ना, मनुष्य जीव प्राणी बेचारा भूखा निर्दोष प्राणी मूक प्राणी जिनके प्रति मनुष्यों को दया भाव नहीं आता कि ये जो हमारी सृष्टि को चलने में प्रत्येक जीव प्राणी का सहयोग होता है तो वो बेचारे मूक प्राणी वो अपनी खान पान की व्यवस्था स्वयं तो नहीं कर सकते, उनका दायित्व तो मानव पे है। तो मानव उसका उसके प्रति उसको न दया न भाव न करुणा, वो सच्ची जीती जागती मूर्तों को न ध्यान देकर वो मिट्टी की मूर्तें तस्वीरें बना के और उनके पीछे कितनी महंगी महंगी मूर्तियां आप देखिए, इन मूर्तियों की कीमत आप जाके कहीं मंदिरों मस्जिद इन लोगों से पूछिए तो लाखों की मूर्तियां ये लोग खरीदते हैं और किसी गरीब को दो वक्त की रोटी देने के लिए अगर कोई उनके समक्ष पहुंच जाए, आगे जाओ उनको दो वक्त की रोटी न किसी अभावग्रस्त को देनी न पशु पक्षियों को देनी, किसी को कुछ नहीं देना और लाखों रुपए ईश्वर की संपत्ति परमपिता परमेश्वर की संपत्ति का इस तरह से दुरुपयोग, तब भजनकारों को भी बहुत ही अफसोस होता है कि ये मानव पढ़ा लिखा समझदार हो के क्यों ऐसे ना समझी की बातें करता है, इतने लाखों रुपए खर्च करता है और फिर अभी जो ये प्रसंग चल रहा है ये प्रसंग पे ही उन्होंने भजन लिखा और उनका निवेदन है कि आप लोग इनका स्पष्टीकरण करिए सब मानवों को जागरूक, तब वो जागृत बने कि इन मूर्तियों के पीछे चढ़ावा खर्चा केमिकल और फिर दूसरी तो सबसे बड़ी एकदम उलूल जुलूल बात कहें बेतुकी बात कहें, ये बात तो एक छोटे बच्चे से भी पूछो तो उसका उत्तर नहीं बोलेगा, नहीं इसका तो क्या कारण है मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि एक मूर्ति को इतने धन खर्च करके खर्च किया, कुछ दिन घर में रखा, फिर जाके उसको सुंदर अच्छे जलों में पवित्र शुद्ध जलों में उसको केमिकल वाली मूर्तियों रंगों वाली को उसमें डुबोना, तो इसका तो कोई तात्पर्य किसी को समझ ही नहीं आता। चलो बनाई तो बनाई पर फिर डुबाई क्यों,
बनाई तो कम से कम रख तो सही अपने पास, जलों को क्यों दूषित करते हो। ईश्वर के नाम पर ईश्वर की मूर्ति बनाई, जो निराकार है, जिसका कोई आकार ही नहीं, उसको बनाया। वेद के विरुद्ध, ईश्वर की आज्ञा के विरुद्ध कार्य किया। वेद में कितनी बार, कितने अनंत मंत्र है, न तस्य प्रतिमा अस्ति ईश्वर की, तस्य उस परम पिता परमेश्वर निराकार की प्रतिमा हो ही नहीं सकती। जब जिसकी प्रतिमा हो ही नहीं सकती, फिर भी आज सारे मानव एक ही कार्य पे लगे हैं, बड़ी बड़ी तस्वीरें बनाना, या तो मंदिरों में बिठाना या फिर पानियों में बहा देना। हर बार नई नई मूर्त बनाओ और फिर पानी में डुबा दो। इसका कुछ अर्थ निकलता है? सच बताए कोई, और पढ़े लिखे लोग, सारे लोग उसका अनुकरण। पहले कुछ लोग करते थे, अब सब एक दूसरे को देख के मैं भी यही करूंगा। मैं बड़े बड़े पढ़े लिखे इंजीनियर लोग इस कार्यों में लगे हैं, मूर्त बनाऊंगा, खरीदूंगा महंगी महंगी और पानी में डुबोऊंगा। क्या बात है, कितनी नासमझी और कितनी मूर्ख मूढ़ता। पढ़ा लिखा मनुष्य, समझदार बुद्धिजीवी मनुष्य अगर ऐसे कृत्य करता है, तब बता दिया ना, तब ईश्वर क्या बोलेगा? ईश्वर कहता है लाखों चढ़ावे, जीव मेरे भूखे मर रहे हैं और जड़ की पूजा व्यर्थ, इसमें कोई सुख नहीं, मात्र दुख है, इसमें क्या सुख है। तो उतना उससे आधा मुट्ठी भर धन भी आप उसके ईश्वर की बनाए हुए प्राणी जगत मूक प्राणियों में उसका खर्चा कर दें, तो आपका जो सृष्टि है वो भी सुरक्षित रह जाएगी। इसी पृथ्वी पर तो हम निवास करते हैं, उस पृथ्वी को स्वच्छ शुद्ध साफ रखना हमारा कर्तव्य बनता है ना। जीवों को, ये जो जीव जितने भी बनाए उनका कितना योगदान है, मछलियां बनाई जल को शुद्ध करने के लिए। अब उसका और भी हमने क्या किया, सारी मछलियों को बना बना के खा गए। अरे ईश्वर ने बोला था ये जल शुद्ध करने के लिए मैं इसको उत्पन्न करता हूँ, तुम इसकी रक्षा करना, तो उसकी रक्षा के बदले बख्शा, बस उसको बना बना के काट काट के खा लिया। कोई पशु प्राणी बाकी रखा है पृथ्वी पर? सबको काटो मारो खाओ, मुर्गा बकरी गाय क्या पता क्या, सुअर तक को नहीं छोड़ा, कुछ लोगों ने तो सांप बिच्छू कॉकरोच को भी नहीं छोड़ा, सबको खाऊंगा सबको। और ये प्रत्येक प्राणी, कोई भी प्राणी ऐसा नहीं है जो ईश्वर के सृष्टि में कुछ सहयोग ना देता, योगदान उसका है। क्या है वो ईश्वर को पता है, और जीव विज्ञान जब पढ़ते हैं साइंस तो उसमें भी बहुत सारी बातें हमें समझ आती है कि ये प्राणी हमारी सृष्टि में यह योगदान देता है। तो जो योगदान देते हैं सृष्टि में, उनको हमें मार काट के खा जाना है। फिर मानव क्या है, फिर इसीलिए तो बता दिया ना कि मानव तेरी सबसे बड़ी भूल है। ईश्वर जो सर्वव्यापक कण कण में बसा है, उसको तो तू देखता नहीं, उसके ऊपर दया नहीं करता, उसके ऊपर प्रेम श्रद्धा कुछ भी नहीं, और पत्थर की मूर्तें बना बना कर, प्रतिमा जो मना कर दी हो ही नहीं सकती, वो बना बना कर या तो उनको चढ़ावा चढ़ाते हो या तो फिर उसको पानी में डुबोते हो। सारे कार्य उल्टे उलूल जुलूल, कैसे कैसे शब्द देखो, शब्दों का चयन कैसा किया कि कैसी कैसी तू उलूल जुलूल हरकतें करता है अपने भाग्य को। इतने अच्छे मनुष्य का भाग्य, कितना सौभाग्य, सबसे पृथ्वी पर सबसे अधिक बुद्धिजीवी सौभाग्यशाली जो है वो मानव है। मानव योनि सबसे बुद्धिजीव, और वो बुद्धिजीव मानव सौभाग्य प्राप्त करने के पश्चात वो कार्य क्या कर रहा है, दुर्भाग्यपूर्ण कार्य करता है, जिससे उसको मात्र उसको भी हानि होगी, इस वर्तमान जीवन में भी हानि होगी और आगे भविष्य में भी उसको हानि होगी। वैसे वैसे तो वो कार्य कर रहा है। तो इस भजन के ऊपर कई जो रचनाकार होते हैं वो वेद मंत्र को भी वहां अंकित करते हैं। तो इस भजन के ऊपर आपनवन पूर्व अमर्षत, यजुर्वेद का जो मंत्र है वो बता रहा है रचयिता कि मैंने इस मंत्र के आधार पर यह भजन लिखा है। तो आज हम उस मंत्र को भी करते हैं, यजुर्वेद का वो मंत्र है। ओम अनेजदेकं मनसो जवीयो नैन देवा आपनुवन पूर्वमर्षत,
तधावतो अन्यानतेति तिष्ठ तस्मिन्नपो मातरिश्वा दधाति। अभी यजुर्वेद का मंत्र 40वां अध्याय और मंत्र संख्या 4। अब इसका पहले हम शाब्दिक अर्थ समझते हैं। तो क्या बता दिया? अनेज एकम, अनेजद, अनेजद एजद अर्थात कंपन, कंपन करने वाला। तो अनेजद अर्थात कंपन न करने वाला, कंपन रहित, स्थिर, अपनी जगह से हटने वाला, न हटने वाला, उसको कहते हैं अनेजद। तो ईश्वर की इस मंत्र में ईश्वर के लक्षणों को बताया जा रहा है कि ईश्वर के कैसे लक्षण है। मानव अगर ईश्वर के सही स्वरूप को, उसके लक्षणों को समझेगा, तब उससे वो लाभ प्राप्त करेगा, खुद भी सुखी होगा और जो दुखपूर्ण कार्य वो कर रहा है उससे वो बच जाएगा। इसीलिए इस मंत्र का उल्लेख किया है। तो अनेजत ईश्वर कैसा है? न कंपन करने वाला, वो गति रहित है। गति रहित है तो गति रहित अर्थात देखिए, जैसे वो रथ का पहिया होता है ना, उसमें धुरी होती है, वो धुरी स्थिर होती है, वो हिलती नहीं, स्थिर होती है, इसीलिए सारे पहिए को हिलाती है, घुमाती है और रथ उस धुरी की वजह से चलता है। तो जैसे धुरी स्थित रहकर पूरी रथ को चलाती है, वैसे ही परमपिता परमेश्वर स्थिर स्थित रहकर, न कांपता हुआ, न हिलता, अपनी जगह से नहीं हटता और एक जगह स्थिर रहकर वो सारे जगत को गति देता है। ऐसा परमपिता परमेश्वर है जो सारी पृथ्वी को, सारी सृष्टि को, प्रत्येक को वो गति देता है और वो जरा भी हिलता नहीं। फिर आगे क्या आया शब्द? अनेजद एकम। और परमपिता परमेश्वर क्या है? बता दिया, एक है वो ईश्वर, अनेक नहीं है। अब अनेक जो आज लोगों ने अनेक ईश्वरों को मानना प्रारंभ किया, उसका ये वेद का अनर्थ किया, क्योंकि वेदों में ईश्वर के असंख्य नाम है, अनेक नाम है। क्यों? क्योंकि ईश्वर के अनंत असंख्य गुण, कर्म, स्वभाव हैं। तो जितने जितने उसके कर्म है, जितने गुण है, जैसा स्वभाव है, वैसा वैसा ईश्वर का नाम है। तो सत्यार्थ प्रकाश में महर्षि दयानंद सरस्वती ने प्रथम पहले शुरुआत में ही वेद के 100 नामों को, ईश्वर के पूरे 100 नामों का उल्लेख किया है, अर्थ सहित, कौन सा नाम और उसका अर्थ क्या है, इसीलिए उसको इस नाम से बुलाते हैं। जैसे ईश्वर को ब्रह्मा कहते हैं, तो ब्रह्मा का अर्थ क्या बता दिया? जो सबसे बड़ा है, इसीलिए ईश्वर को ब्रह्मा कहते हैं। फिर ईश्वर को मनु बताया, तो वो सर्व ज्ञान विज्ञान वाला है, इसीलिए ईश्वर का नाम मनु कहा। फिर प्रजापति, तो सारी प्रजाओं का वो स्वामी है, इसीलिए ईश्वर का नाम प्रजापति है। विष्णु, वो ईश्वर सर्वव्यापक, कण कण में समाया हुआ है, हर जगह है, विद्यमान है, इसीलिए उसका नाम विष्णु बताया। फिर ब्रह्मा, सारी सृष्टि का रचयिता है, इसीलिए उसको ब्रह्मा बताया। शिव, शिव उसका नाम क्यों बताया? क्योंकि वो मंगलकारी, कल्याणकारी, सर्व का कल्याण करता है, इसीलिए उसको शिव बता दिया। रुद्र, रुद्र क्यों बताया? क्योंकि दुष्टों को उसके दंड, उसके कर्मों का दंड देके उसको रुलाने वाला है, इसीलिए ईश्वर का नाम रुद्र है। फिर गणपति, गणेश, तो सारे गणों का, समूहों का वो स्वामी है, नेता है, नायक है, इसीलिए उसको गणपति कहते हैं, उसको गणेश कहते हैं। तो अब ये सारे के सारे नाम एक ही ईश्वर के हैं। क्या बता रहा है यह मंत्र? कि ईश्वर एक है पर उसके नाम अनंत है, अनंत। महर्षि दयानंद तो बताते हैं, मैंने तो मात्र 100 का किया है, पर अनंत नाम है उसके, अनंत काम, अनंत गुण, मैं अधिक नहीं बता सकता, मैं मात्र 100 बताता हूँ। आप इस बात से ही समझ जाइए कि ईश्वर एक है, नाम अनेक है। तो अनेजद एकम मनसो जवियो, मन से भी जवियो अर्थात वेगवान। ईश्वर क्या बताया? उसके लक्षण बताए जा रहे हैं। तो ईश्वर को लक्षण एक और क्या बता रहे हैं? कि ईश्वर जो है हमारे मन से भी अधिक वेगवान है। मन तो अति वेगवान है ना, देखो विद्युत वेगवान है, बिजली के जितने भी उपकरण है वो कितने फास्ट चलते हैं, देखो पंखा फास्ट 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 चल रहा है,
फिर कोई भी उसका मिक्सी चलाते हैं तो फटाफट सारा हो गया, मशीन में कपड़े डाले तो फटाफट हो गए। तो जैसे विद्युत वेगवान है तो विद्युत से वेगवान हमारा मन है, जितनी वेगवान विद्युत है उससे भी अधिक वेगवान हमारा मन है। क्योंकि हम यहाँ अभी देखो, हम यहाँ शरीर से यहाँ बैठे, एक क्षण में हमारा मन अमेरिका पहुंच जाएगा, ऑस्ट्रेलिया पहुंच जाएगा, जहाँ उसको जाना है वहाँ पहुंच जाएगा। यहाँ बैठा बैठा एक क्षण उसको नहीं लगता, इसीलिए वो क्या है, विद्युत से भी वेगवान है। तो यहाँ क्या बताया जा रहा है कि ईश्वर उस मन से भी अधिक वेगवान है। जितना वेगवान मन है उससे भी अतिशय वेगवान ईश्वर है। तो अनेजद एकम मनसो जवियो नैन देवा आपनोवन पूर्वमर्शत। नैन देवा, नैन देवा अर्थात इंद्रियों को देव बताया। हमारी इंद्रियों में देवों का निवास है। जो भी हमारी इंद्रियां विषयों को प्राप्त करती है तो उन देवताओं के कारण उसमें विषय उत्पन्न होते हैं और उस विषयों का वो उपभोग, उसका वो कार्य करती है। जैसे आँख, तो आँख का विषय क्या है, रूप, तो और उसका देवता क्या है, सूर्य और अग्नि। जब तक सूर्य और अग्नि ना हो तो आँख बेकार है, आँख कोई कार्य कर ही नहीं सकती। तो आँख का देवता सूर्य और अग्नि है। कान, कान का विषय है शब्द और शब्द का देवता आकाश। नाक, नाक का विषय सूंघना, तो गंध, तो उसका देवता कौन है, पृथ्वी। फिर रसना, रसना का विषय है जल, रसना का विषय है स्वाद, चखना, तो और उसका देवता कौन है, जल। और पांचवा आया त्वचा, त्वचा अर्थात ये जो अपनी चमड़ी है, तो त्वचा का क्या है, स्पर्श, उसका विषय है स्पर्श, और उसका देवता कौन है, वायु। तो इस तरह से पांच देवता हमारे पांचों विषयों को, इंद्रियों को वो देवता है, इसीलिए इंद्रियों को देवता कहा। तो इंद्रियों का अगर इंद्रियां नियंत्रण में है तो वो वरदान देगी, क्योंकि देवता है ना, उसका सदुपयोग करेंगे तो वो वरदान प्राप्त कराएंगी, और अगर उसका दुरुपयोग किया तो फिर वो सर्वनाश भी कराएंगे। अनियंत्रित इंद्रियां आपको गलत मार्ग पर ले जाके आपका नाश करेंगी, इसीलिए ये हमारी इंद्रियां देवता बताई, नैन देवा। तो ये नैन देवा ये भी बताया अर्थ, और दूसरा अर्थ क्या बताया, बता रहे हैं कि ये इंद्रियां जो है वो बाह्य आपके विषयों को प्राप्त करने के लिए उसका सर्जन हुआ है। जितने संसार में पांच ही विषय हैं, रूप, रस, गंध, शब्द, स्पर्श, तो पांच विषय संसार में है और पांच इंद्रियां ईश्वर ने दे दी, तो ये पांचों विषयों को प्राप्त करने के लिए इंद्रियों का सर्जन है। पर यह इंद्रियां आपको ईश्वर का दर्शन नहीं करा सकती, ईश्वर को पा नहीं सकती। आपनुवन नैन देवा आपनुवन पूर्व मर्शद, वो आपको वो इंद्रियां ईश्वर से प्राप्त नहीं कर सकती, क्योंकि ईश्वर कैसा है, रूप, रस, गंध, शब्द, स्पर्श से वो रहित है, पृथक है। ईश्वर में ये पांचों पांच गुण नहीं है, तो ये गुण है ही नहीं। और इंद्रियां क्या है, पहुंचा हुआ विद्यमान। तो मन से भी ज्यादा वेगवान ईश्वर कैसे बताया, तो बताया कि ईश्वर कैसा है, वो आप जहां भी जाते हो उससे पूर्व वो पहले ही वहां विद्यमान है। तो इंद्रियों का, जीव का, मन का, सबका उल्लंघन कर गया कि नहीं। तो ईश्वर कैसा है, सारे इंद्रियों का और सारे प्राणियों का, सबका वो उल्लंघन कर जाता है। क्यों, क्योंकि वो पहले ही वहां विद्यमान है। आप जहां जाएंगे वहां वहां ईश्वर पहले से ही विद्यमान है। तो इसीलिए क्या बता दिया, इस अर्थ में ईश्वर सबसे अधिक वेगवान है। तो ये बात बताई, तो कुछ लोगों को ये बात समझ नहीं आती, बोलते हैं अच्छा निराकार ईश्वर तो सृष्टि को कैसे गति कर सकता है, निराकार तो गति नहीं करता, तो ईश्वर कैसे सृष्टि की गति देता है। तो उसका उत्तर देते हैं, क्या बताते हैं, समझाते हैं कि ये जो जीव है वो क्या है, आकार है कि निराकार है, आत्मा निराकार है ना, आत्मा निराकार है, क्योंकि निराकार है वो जब निकलता है शरीर से तो किसी को दिखता है, तो इसका अर्थ क्या बना, आत्मा निराकार है। तो देखो, जैसे आत्मा निराकार है
पर फिर भी वो निराकार आत्मा इस पूरे शरीर को चलाता है कि नहीं? शरीर को कौन चलाता है? आत्मा चलाता है ना? जब आत्मा निकल जाता है तो पूरा शरीर पड़ा रहता है, तो शरीर का कोई भी अंग प्रत्यंग चलता है, गति करता है। तो इससे क्या सिद्ध हुआ कि सारी शरीर को, इंद्रियों को, सब को चलाने वाला, मन को, इंद्रियों को चलाने वाला कौन था? ईश्वर था। तो ईश्वर जैसे आत्मा था, सॉरी, तो जैसे आत्मा निराकार होते शरीर को चलाता है, वैसे ही ईश्वर निराकार होके सारी सृष्टि को चलाता है। तो इस तरह से हमें कोई भी मन में संशय नहीं उत्पन्न होना चाहिए कि निराकार ईश्वर सृष्टि को कैसे गति देगा। तो उसका भी हमें यहाँ अच्छी तरह से समझा दिया। तो दूसरी पंक्ति में क्या बताया? अनेजदेकं मनसो जवीयो नैन देवा आपनोवन पूर्वमर्षत तधावतो ज्ञान तेति तद्धावतो तत् वो परमपिता परमेश्वर धावतो तद्धावतो ज्ञान अन्यान अन्यान अर्थात दूसरे जो जीव है, मनुष्य है, वो क्या करते हैं? धावतो अर्थात भागना, विषयों के पीछे भागते रहते हैं। तद्धावतो अन्यान तेति तिष्ठ वो जो ईश्वर है स्थिर है, वो एक जगह स्थिर है और मनुष्य क्या करता है? वो भागता रहता है पीछे पीछे विषयों के पीछे, मूर्तियां मंदिर इधर उधर, ईश्वर को प्राप्त करने या विषयों के पीछे वो भागता रहता है। तो यहाँ वही बताते हैं, जो मनुष्य विषयों के पीछे भागता है, जब तक मानव जीवात्मा विषयों से पृथक होकर स्थिर होके समाधि लगा के, इंद्रियों को बंद करके, मन का निग्रह, मन को एकाग्र करके अंदर जब स्थिर होके वो ईश्वर को प्राप्त कर सकता है। बाहर भागने से ईश्वर की प्राप्ति कतई नहीं हो सकती। तो इस तरह से बताते हैं, मैं इसका भाव अर्थ, हम अब कम समय में हम भाव अर्थ सुन लेते हैं। तो वह परमात्मा कंपन तक नहीं करता, परंतु मन से भी अधिक वेगवान है। इंद्रियां उसे प्राप्त नहीं कर सकती, परंतु वह इंद्रियों से भी पूर्व वर्तमान है। वह ठहरा हुआ है अन्य दौड़ते हुओं के पीछे, अन्य दौड़ते हुओं के पीछे उनको पीछे छोड़ देता है। उसी के कारण वायु, जो स्वयं हल्की है, अपने से भारी जल को उठा लेती है। नैन देवा आपनुवन पूर्वमर्षत तद्धावतो ज्ञानतेति तिष्ठ तस्मिन्नपो मातरिश्वा दधाति। तिष्ठ अर्थात स्थिर, तिष्ठ तस्मिन् अर्थात वो परमात्मा, परमात्मा स्थिर है। तिष्ठ तस्मिन् अपो, अपो अर्थात जल, मातरिश्वा अर्थात वायु, दधाति अर्थात धारण। जैसी वायु स्वयं हल्की है पर जल भारी है, पर वो जो वायु है वो भारी जल को भी धारण करती है। तो वो कैसे धारण करती है? वो इस परमात्मा, परमात्मा की शक्ति से। देखो ये जो जल बाष्प वायु के तरह ऊपर चला जाता है ना बादलों में, तो उसको कौन धारण करता है? वायु धारण करती है। वायु स्वयं हल्की और जल भारी, फिर भी कितने समय तक उसको धारण करते हैं? जब वर्षा की ऋतु आती है तब गिरते हैं। तो इतने समय तक उसको धारण कैसे करती है? वायु की अपनी कोई शक्ति नहीं, वो सारी शक्ति क्या बताते हैं? परमपिता परमेश्वर की सारी शक्ति है। तो इस तरह से हमें ईश्वर के लक्षण कम समय में, हमने उसको संक्षिप्त में अच्छी तरह से समझ लिए। ईश्वर के लक्षण क्या है? निराकार परमपिता परमेश्वर सर्वव्यापक, कण कण में समाया है। हमें उसको अनुभूत करना है, अनुभूति करके प्रत्येक के अंदर उस परमपिता परमेश्वर का दर्शन करेंगे तो प्रत्येक के प्रति प्रेम भाव, सहयोग, दया, करुणा और एकता का भाव उत्पन्न होगा और हम सब सुखपूर्वक यात्रा करेंगे। और अगर फिर ये जो मूर्ति बनाना, ये करना, बाहर भागना, दौड़ना, ईश्वर को ढूंढना, वो सब हमारा छूट जाएगा। अब हमारा समय हो चुका है। ॐ द्यौ शान्तिरन्तरिक्षं शान्ति पृथिवी शान्ति रापः शान्तिरोषधयः शान्ति वनस्पतयः शान्तिर्विश्वेदेवा शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति।
शांति रेव शांति सामा शांति रेधि ओ शांति 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 सर्वेभ्यो नमः। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।